हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ। बच्चों, आज हम आपके एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर वन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, इस चैप्टर के रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा था बच्चों कि कैसे कैसे क्या था, कि कैसे कैसे भारत का नाम इंडिया पड़ा, मतलब किसने क्या रखा, कब किसने क्या रखा था। इस तरीके से हमने इसमें पढ़ा था कि कब किसने क्या कहा। तो 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अलिद ऋषि का नक्शा बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि समुद्र तक दिखाया गया है। ये वाला जो मैप यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है बच्चों। आपके जो यूटी होंगे अभी जो स्टार्ट होने वाले हैं कुछ टाइम में, उसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मिड ऑफ द चैप्टर्स भी आएंगे, और मैंने जो आपको आंसर्स लिखवा रखे हैं बड़े बड़े, उनमें से भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है। आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएंगे, इसलिए मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की रिवीजन करा देती हूँ। देखो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आया पर्यावास में परिवर्तन ने किसके जीवन को प्रभावित किया। चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, तीन मिलेंगे आपको ऑप्शन, यहाँ पे चार हैं लेकिन आपको तीन ही ऑप्शन मिलेंगे, विदेशी, क्षत्रिय, वनवासी। मान लीजिए तीन ऑप्शन मिले, अब आपको आंसर पता होना चाहिए क्या होगा, वनवासी। ठीक है, इस तरीके से प्राचीन काल में सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य था, तो यहाँ पे कौन सा था, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, तीनों ही सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलिद ऋषि का संबंध किस देश से था। क्या क्वेश्चन है, अलिद ऋषि का संबंध किस देश से था, तो किस देश से था अलिद ऋषि का संबंध, अरब से। ठीक है, अलिद ऋषि ने बनाया था, अलिद ऋषि ने क्या बनाया था, भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा। क्या बनाया था अलिद ऋषि ने, भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा। मानचित्र बनाने वाले को कहते हैं, मानचित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं, मानचित्रकार। ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में कराया हुआ है कि मानचित्र बनाने वाले क्या कहते हैं, मानचित्रकार कहते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत है, तो ये सभी स्रोत हैं ऐतिहासिक जानकारी के, सिक्के, इमारतें, अभिलेख और उपयुक्त सभी, तो यानी कि सभी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं। किसने हिंद शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों के लिए किया था, तो किसने किया था, मिन्हाज ए सिराज ने। किसने किया था, मिन्हाज ए सिराज ने। ठीक है, किया सभी ने था, बाबर ने भी किया था, अमीर खुसरो ने भी, लेकिन अलग अलग के लिए किया था। वो कहाँ के लिए किया था, अभी पढ़ेंगे, देखो मैं दिखाऊंगी आपको। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज़ों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, वो स्थान क्या कहलाते हैं, अभिलेखागार। क्या कहलाते हैं, अभिलेखागार। प्राचीन काल में पांडुलिपियों की नकल कैसे उतारी जाती थी, कैसे उतारी जाती थी बच्चों, हाथ से, मशीन से, चापे गाने से। कैसे उतारी जाती थी, हाथ से उतारी जाती थी। ठीक है, राजपूत शब्द के अंतर्गत शामिल है, राजपूत शब्द के अंतर्गत क्या शामिल है, राजा, सैनिक, सेनापति, उपयुक्त सभी, तो क्या शामिल है, सभी शामिल हैं। मुगल वंश का पतन किस सदी में हुआ, किस सदी में हुआ मुगल वंश का पतन, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, कौन सदी में हुआ था मुगल वंश का पतन, 18वीं सदी में। ठीक है, 1750 के काल में किस जाति ने राजनीतिक रूप से महत्व हासिल किया। 750 के काल में किस जाति ने राजनीतिक रूप से महत्व हासिल किया था, सभी जातियों ने किया था, जाट ने, मराठा ने और सिख ने, सभी ने किया था। ठीक है, हिंदी भाषा में विदेशी को क्या कहा जाता है, परदेसी। क्या कहा जाता है, परदेसी। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत में, भारत के इतिहास को किस युग में बांटा था, किस युग में, सभी युगों में बांटा था, जो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन में। ठीक है, अतीत के युगों और कालों का विभाजन किस आधार पर किया गया, तो यहाँ पे जो भी दिए गए, धर्म के आधार पर भी हुआ, बौद्धिक और भौतिक विकास के कारकों के आधार पर भी हुआ, और आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर भी किया गया, यानी कि सभी के आधार पर किया गया। अब देखो, मैंने बीच में से क्वेश्चन, जैसे आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला, कराया था। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से बना दिया क्वेश्चन कि कौन सी सदी में, सॉरी 13वीं सदी में किस इतिहासकार ने फारसी में जो है कहा था, राज्य का अर्थ मतलब फारसी में कहा था, तो किसने कहा था, मिन्हाज ए सिराज ने, 13वीं सदी में। आपको 13वीं सदी से ध्यान रखना चाहिए कि मिन्हाज ए सिराज की बात हो रही है, अगर 14वीं सदी की बात होती तो अमीर खुसरो की बात हो रही है, ठीक है, अगर 16वीं सदी की बात हो रही है तो बाबर की बात हो रही है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक यहाँ से बन गया, मान लीजिए अब लेखागारों में खालिस्तान रखे जाते हैं, अब मैं तीन ऑप्शन आपको नीचे दे दूँगी कि क्या क्या रखे जाते हैं, तो आपको ये ऑप्शन पांडुलिपियाँ और दस्तावेज ये सही लिखना है। ठीक है,
इस तरीके से मैंने आपके बीच में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे ज्वाला पांडुलिपियाँ अधिकतर प्राचीन पांडुलिपियाँ अधिकतर किन दो भाषाओं में लिखी जाती थी। मैंने यहाँ से क्वेश्चन मान लो बना दिया। अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी भाषा, तो अरबी और फारसी। अब दो ऑप्शन में और गलत दे दूँगी, वो आपको सही पे निशान लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया कि अलीद्रिसी कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कौन था, एक अरब भूगोलविद था, ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों। इस तरीके से बच्चों आपका ज्योग्राफी में भी इसी तरीके से आएगा। जैसे देखो, मैं आपको कुछ ज्योग्राफी क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जो मैंने आपको लर्न कराए हैं, वो तो करने ही है, साथ में ये वाले क्वेश्चन भी आपको सभी लर्न करने हैं। जैसे लिखते हैं, किसी जीव समुदाय वस्तु के चारों का वातावरण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। किसी स्थान पर पाई जाने वाली स्थल जल व वायु की प्राकृतिक दशाओं को क्या कहते हैं, भौतिक पर्यावरण कहते हैं। जिस पर्यावरण में मनुष्य जीव जंतु पेड़ पौधे जीवाणु सम्मिलित होते हैं, क्या कहलाता है, जैविक पर्यावरण। बच्चों मैं आपको ये सारे क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, ठीक है। जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपकी इस बुक में हैं, गाइड में हैं, मैं सारे सेंड कर दूंगी। और आपको बुक में जो मैंने चैप्टर सभी कराए हैं वो सभी लर्न करने हैं, ठीक है। जो बुक के क्वेश्चन आंसर कराए हैं वो सभी लर्न करने हैं, साथ में ये क्वेश्चन भी लर्न करने हैं जो मैं सेंड करूँगी। पर्यावरण कितने घटकों में बांटा गया, तीन। इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन आपको लर्न करने चैप्टर वन के, और ऐसे चैप्टर टू के मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।